हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो संबंधित है जैक बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र 2022 से। इस वीडियो में हम मॉडल प्रश्न पत्र के सेट 5 देखेंगे जो क्लास 10th के लिए हैं। इस वीडियो में हम विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें सभी। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन दिया गया है केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या सभी परावर्तक पृष्ठों पर। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं और ये दोनों नियम सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं, चाहे वे समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन दिया गया है आधी, दोगुनी, तीन गुनी या चौथाई। किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी फोकस दूरी इसकी आधी होगी यानी 10 सेंटीमीटर होगी। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। ऑप्शन हमारे पास है C पर, F पर, C एवं F के बीच या फिर F एवं P के बीच। जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक और उल्टा बनेगा और यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन हमारे पास है आभासी, वास्तविक, ए और बी दोनों या कोई नहीं। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ये दोनों प्रकार का प्रतिबिंब हो सकता है। प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है और प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक कब बनता है और आभासी कब बनता है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी बनेगा, परंतु जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत और फोकस के बीच में हो तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर परवलयिक दर्पण। सोलर कुकर में क्या होता है कि सौर ऊर्जा को एकत्र किया जाता है और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बड़े क्षेत्र में सूर्य की रोशनी जो आपतित होती है इसको किसी खास और छोटे जगह पर संग्रह किया जाता है और इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः है। ऑप्शन हमारे पास है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या फिर दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका सही जवाब होगा दोनों अवतल होंगे। लेंस भी अवतल होंगे और दर्पण भी अवतल होंगे, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसी लेंस की क्षमता यानी पी और उसकी फोकस दूरी यानी एफ में क्या संबंध है। ऑप्शन हमारे पास है पी इज इक्वल टू 1/f, एफ इज इक्वल टू r/2, पी इज इक्वल टू एफ, या इनमें से कोई नहीं। किसी लेंस के लिए उसकी क्षमता और उसकी फोकस दूरी के लिए जो सूत्र है वह ये है कि पी इज इक्वल टू 1/f, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें। ऑप्शन दिया गया है m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू u/v, m इज इक्वल टू -u/v, या फिर m इज इक्वल टू v/u। इसका सही जवाब होगा m इज इक्वल टू v/u। किसी लेंस के लिए आवर्धन का जो सूत्र होता है वह होता है v/u, परंतु किसी दर्पण के लिए इसके साथ नेगेटिव साइन लगता है। यानी अगर हम दर्पण के लिए आवर्धन का व्यंजक की बात करें तो वह होगा m इज इक्वल टू -v/u, परंतु लेंस के लिए यह होता है +v/u, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। ऑप्शन दिया गया है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें जानना होगा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। कोई वस्तु हमारे नेत्र से कम कितनी दूरी पर हो ताकि उस वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकें, और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। यानी एक सामान्य दृष्टि के नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई वस्तु हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी जाए तो इस वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। कोई वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वह वस्तु हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक दूरी पर स्थित होनी चाहिए। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया गया है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी एवं उल्टा, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारे नेत्र में जो लेंस स्थित होती है यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, और इस लेंस के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र की रेटिना पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। ऑप्शन हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न को समझने के लिए हम एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण लेते हैं, और यह समीकरण है Na2SO4 BaCl2 देता है BaSO4 2NaCl। इस रासायनिक समीकरण में आप देख सकते हैं कि Na यानी सोडियम और बेरियम यानी Ba ये दोनों अपने स्थान का आपस में आदान प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्थान Ba का है वह Na ले लेता है और जो Na का स्थान है वह बेरियम यानी Ba ले लेता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, निश्चित अनुपात का नियम, अवोगाद्रो का नियम या डाल्टन का नियम। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, इसको हम कैसे समझेंगे? क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई परमाणु का न तो निर्माण होता है और न ही कोई परमाणु का विनाश होता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड में किसी तत्व के जितने परमाणु हैं, राइट हैंड साइड में उस तत्व के उतने ही परमाणु होने चाहिए। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के सिद्धांत को अपनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उपचयन में, ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ या कोई तत्व ऑक्सीजन ग्रहण कर ले तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का या फिर उस तत्व का उपचयन हुआ। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इस प्रश्न में पूछा गया है पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम नाइट्रेट। आमतौर पर घरों की दीवारों की सफेदी करने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में मौजूद चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसे हम पानी में मिलाते हैं तो ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। तो इस प्रकार पदार्थ X के जो विलयन प्राप्त होते हैं ये क्या होते हैं? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन हमारे पास है जल की बर्बादी को रोका जाए, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, धूम्रपान से बचें, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। सांद्र अम्ल या फिर सांद्र क्षारक हमारे त्वचा के लिए घातक होते हैं, इसीलिए सांद्र अम्ल और सांद्र क्षारक वाले बर्तन में यह चेतावनी रहता है। अगला प्रश्न है क्षारक जल में घुलकर कौन अम्ल प्रदान करता है? ऑप्शन है H+ आयन, OH- आयन, Cl- आयन या फिर H3O+ आयन। सामान्य रूप से क्षारक जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरीन। इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहले आपने समझना होगा क्लोर क्षार प्रक्रम क्या है। साधारण नमक यानी NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने से यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसको हम इस प्रकार समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है
तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा, किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है का निर्माण होता है और इसमें क्लोरीन का भी निर्माण होता है। क्लोरीन के लिए शब्द है क्लोर और NaOH एक क्षार है, इसीलिए इस प्रक्रम को क्लोर क्षार प्रक्रम कहा जाता है। और इस प्रक्रम में कौन सा पदार्थ निर्मित होता है, और वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, किसपा उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास है अम्ल, क्षार, लवण या क्षारक। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्राकृतिक संक्षारक होती हैं। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी क्षार। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। ऑप्शन दिया गया है 6, 5, 6.4 या 7। सबसे पहला हमें जानना होगा अम्लीय वर्षा क्या है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो इस प्रकार के वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पीएच मान है जिस पीएच मान के लिए हम उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 5। इसके अलावा बाकी तीन ऑप्शन का जो पीएच मान है वह 5.6 से अधिक है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न है किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन है। ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के पास जब कोई जलती हुई तीली ले जाया जाता है तो यह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऑप्शन दिया गया है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या उपरोक्त सभी। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है और गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। ऑप्शन दिया गया है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत। मानव पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश अवशोषण उसकी छोटी आंत में होती है, इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी छोटी आंत। अगला प्रश्न है रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है शिरा, धमनी, केशिका या जाइलम। हमारे हृदय के साथ अनेक रक्त वाहिकाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ रक्त वाहिकाएं ऐसे हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। इस प्रकार के रक्त वाहिकाओं को धमनी कहा जाता है, परंतु कुछ ऐसे रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त को लाकर हृदय तक पहुंचाती हैं। इस प्रकार के रक्त वाहिकाओं को शिरा कहा जाता है। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है।
ऑप्शन दिया गया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका या प्लेटलेट्स। कोई अंग कट जाने पर रुधिर बाहर बहने लगता है और कुछ ही समय के पश्चात रुधिर उस कटे हुए भाग में जम जाता है, जिसके कारण रुधिर का बाहर बहना बंद हो जाता है। इससे रुधिर का थक्का बनना कहा जाता है। इसके लिए कौन मदद करता है ये पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा प्लेटलेट्स। हमारे रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स रुधिर के थक्का बनाने में मदद करता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है परिवहन, स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन या उत्सर्जन। किसी पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, यानी जो भाग धरती से ऊपर होते हैं, इस भाग से लगातार जल की हानि होती है वाष्प के रूप में, और यह हानि पत्तियों से, फूलों से, यहां तक कि तने से भी हो सकती है। इसको क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे मिट्टी से खनिज लवण और जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद है वह कार्बोहाइड्रेट है। आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? ऑप्शन दिया गया है श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त या जठर रस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आमाशय की दीवार HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। यह HCl अत्यधिक हानिकारक हो सकती है हमारे त्वचा के लिए। तो सवाल यह है कि आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? इसका सही जवाब होगा श्लेष्मा। हमारे आमाशय की आंतरिक दीवार में मौजूद श्लेष्मा अम्ल से आमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करती है। निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? ऑप्शन दिया गया है मनुष्य, कुत्ता, गाय या शेर। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जीव है जिसका क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसकी छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतु की तुलना में अधिक होती है, इसलिए सही जवाब होगा गाय। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन दिया गया है विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन या द्विखंडन। अमीबा में जनन का प्रकार होता है द्विखंडन। इस विधि में क्या होता है कि अमीबा का एक वयस्क जीव यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये दो हिस्सों में बंट जाते हैं। इस प्रकार अमीबा का जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। बर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि है? ऑप्शन दिया गया है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन या बीजाणु समासंग। विभिन्न प्रकार के जनन की विधि जैसे कि बर्तन, कलम या फिर रोपण, ये कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियां हैं। निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? ऑप्शन हमारे पास है परागकोष, अंडाशय, तंतु या पुंकेसर। इन चार ऑप्शन में से अंडाशय मादा जनन अंग के भाग होते हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? ऑप्शन हमारे पास है कैंसर, टाइफाइड, गोनोरिया या कोरोना। इसका सही जवाब होगा गोनोरिया। गोनोरिया एक लैंगिक संचरणीय रोग है।
शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन हमारे पास है शुक्राशय, शुक्राणु वाहिनी, वृषण या प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर होता है। अगला प्रश्न है तापीय विद्युत संयंत्र में, ऑप्शन दिया गया है उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है या फिर नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किसी तापीय विद्युत संयंत्र में जो उष्मीय ऊर्जा होती है इसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए। गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है CNG, LPG, जैव गैस या CO2। फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे कि विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस यानी जैव गैस निकलती है। चूंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर है इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। इस प्रकार गोबर गैस का अन्य नाम है जैव गैस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश की गई मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के सेट 5 जो कि विज्ञान विषय से संबंधित है का चर्चा किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।